भी गए हैं, कुछ खराब भी गेम भी गए हैं। बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी चीज है, सारे के सारे गेम आप कैसे जा नहीं सकते। लेकिन फिलहाल के लिए एक बार फिर से अच्छे गेम की उम्मीद में शैडो गए तो थे, लेकिन नॉक होते हुए वहीं स्प्रे गॉड भी ट्राई कर रहे हैं। पावर को डाउन कर दिया गया है, स्प्रे गॉड लो एचपी पे, काइलो गेट्स टेकन डाउन एज वेल। सारंग और स्प्रे गॉड, वाइल स्प्रे गॉड लो एचपी पे है, सारंग अभी गाड़ी घुमा रहे हैं। चलिए फ्रैक्स कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी सामने से भी खिलाड़ी, ये एक अच्छी अप्रोच है, ये एक डिफरेंट टाइप की फाइट देखने को मिल रही है। गाड़ी गाड़ी की सवारी चल रही है और हाइकु सोल के खिलाड़ी रॉनी ये भी बगी से उतरने का नाम नहीं ले रहे, ये भी बगी घुमा रहे हैं वहां पे। स्प्रे गॉड के पास मौका था फटाफट से हील करके रॉनी के ऊपर शॉट देने का, लेकिन रॉनी को देखिए, रॉनी परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। रॉनी सारंग की नाक में दम कर रहे हैं, सारंग और स्प्रे गॉड दो ही खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन ये फाइनली जाके सारंग की गाड़ी ठुकती हुई और जोकर उतर चुके हैं गाड़ी से, दिखते हैं कवर के पीछे। He's got grenade in his hand, but यहाँ से मॉली भी पॉप करते हुए नजर आ रहे सारंग। क्या जोकर की ग्रेनेड लगेगी? जी हाँ, टाइम लगाया जोकर का ग्रेनेड तो लगा, लेकिन वहीं स्प्रे गॉड का ग्रेनेड भी जोकर को लग चुका है और अब वापस से 1v1 की बैटल। स्प्रे गॉड निकलते हुए, गाड़ी पे कुछ और बुलेट्स लगेंगी तो टीम एक्स पार्क समाप्त हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें टीम एक्स पार्क की, तो दिक्कतें बढ़ती दिखी है। आपने कहा सावन मिल चुका है और यहाँ अभी के लिए हेक्टर भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, आईकू सोल के लिए भी दिक्कतें, जोकर भी डाउन है, कंफर्मेशन आ दिखी। बट क्या शॉटगन चल गई हेक्टर एस के द्वारा, वरना मुझे लगा था शायद चीजें थोड़ी बदली जा सकती है। रॉन तो ये ग्रेनेड रॉनी को फायदा देगा नहीं, अभी तो नहीं देगा, बट कॉन्स्टेंटली नीचे से ग्रेनेड और मॉली का प्रयोग किया जा रहा है रॉनी के ऊपर। अब देखते हैं रॉनी किस तरीके से फाइट बैक करते हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग मिल चुकी है रॉनी को, राइट वे कंफर्म करेंगे, देयर इज वन मोर प्लेयर, लेकिन ये ग्रेनेड हेक्टर का रॉनी को डाउन करेगा। बट रॉनी जाते जाते एक फ्रैग लेके गए हैं अपने लिए।